जयपुर के जंगल में पीलू और बबलू दो पति पत्नी रहते थे। वो लोग कुछ मुर्गियों को पाले थे। पीलू उन मुर्गियों को दाना डाला करती थी। पीलू एक मुर्गी का बहुत खास ख्याल रखती थी। उसे काजू बादाम पिस्ता किशमिश खिलाती थी। पीलू, तुम इस मुर्गे को इतना क्यों खिलाती रहती हो? तुम इसकी आदत बिगाड़ रही हो। इतनी खास ख्याल रखोगी तो ये बिगड़ जाएगा और घमंडी हो जाएगा। अरे नहीं, आप चिंता मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर ये बिगड़ गया तो मैं इसे सुधार दूंगी। लेकिन वो मुर्गा बहुत शरारती था। उसे अपने पर घमंड था और वो दूसरी मुर्गियों को चिढ़ाता था। ऐसे ही एक दिन पीलू मुर्गियों को लेकर नदी के किनारे गई और एक पेड़ के नीचे सो गई। तब वो घमंडी मुर्गा टहलते हुए एक साधु के पास पहुंचता है और उनसे वरदान मांगा। साधु मुर्गी की भाषा समझते थे। साधु महात्मा जी प्रणाम, आप अभी अभी तपस्या से उठे हैं, क्या मैं आपसे वरदान मांग सकता हूँ? तुम तो बड़े चालाक लगते हो, लेकिन क्योंकि मैं अभी अभी तपस्या से उठा हूँ तो तुम्हें वरदान देना ही होगा। बोलो क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ कि मैं लोगों की मन की बात जान सकूं। अरे लेकिन ऐसा प्रकृति के नियमों के साथ खिलवाड़ होगा। मैं नहीं जानता। साधु जी आप तो मुझे यही वरदान दे दो। ठीक है ठीक है। फिर साधु उस पर जल छिड़क देता है। थोड़ी देर बाद पीलू नींद से जागती है और सब मुर्गियों के साथ वापस घर चली आती है। पीलू घर में फिर से उस मुर्गे को दाना डाल रही थी और सोचती रहती है, मैं इस मुर्गे से बहुत पैसे कमाऊंगी। इसके साथ जो भी मुर्गी अंडे देती है वो काफी ज्यादा दाम में मैं बेचती हूँ, जिससे मुझे बहुत फायदा होता है। ये सब सुनकर मुर्गा और भी घमंडी हो जाता है। ऐसे ही एक दिन कालू चोर पीलू के घर की तरफ देख रहा था और सोच रहा था, ये बबलू और पीलू आजकल बहुत पैसे कमाते हैं, आज रात को इनके घर में डाका डालूंगा और सारी मुर्गियों समेत इनकी तिजोरी खाली कर दूंगा। तो तभी घमंडी मुर्गा बोलता है, अच्छा तो ये मेरे मालिक के घर में चोरी डकैती के बारे में सोच रहा है और उसमें भी मुझे चुराना चाहता है, अभी मजा चकाता हूँ इसको। और फिर वो कालू पर हमला कर देता है जिससे कालू बहुत बुरी तरह से घायल हो जाता है। फिर कुछ देर बाद कालू अपने दोस्तों के साथ पीलू के घर आता है और उसे धमकाता है, तुम अपने मुर्गे को संभाल कर रखो नहीं तो मैं इसकी बिरयानी बनाकर खा जाऊंगा, इसने मुझ पर हमला किया था। कालू तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे घर में घुसकर मुझे ही धमकी दे रहे हो, मैं तुम्हें और पीट दूंगी, भाग जाओ यहाँ से। फिर कालू और उसके दोस्त डर के कारण वहाँ से भाग गए। एक दिन पीलू की सास सुंदरी उसके घर पहुँची। बहू क्या कर रही है, आजकल इन मुर्गियों को पाल रही है क्या? अरे जरा मेरा भी ख्याल रखा करो, चलो आज मुझे तुम बिरयानी खिलाओ। हाँ सासू माँ, आप मुझे बताइए कि मैं किस मुर्गी की बिरयानी आपको बनाऊं? सुंदरी सोच में पड़ जाती है। वो एक के बाद एक मुर्गियों को देखती है और आखिर में उस मुर्गे के पास उसकी नजर जाती है और वो सोचती है, ये मुर्गा तगड़ा लग रहा है, इसकी ही बिरयानी खा जाती हूँ। जैसे ही सुंदरी मुर्गे की बिरयानी के बारे में सोचती है, मुर्गा गुस्से में आ जाता है। ये मुझे खाएगी, अभी बताता हूँ। और फिर वो सुंदरी पर हमला कर देता है। ये देख कर पीलू भी गुस्से में आ जाती है और वो मुर्गे से लड़ पड़ती है। लेकिन इसके बाद मुर्गा सास और बहू पर हमला कर देता है। पीलू और सुंदरी घर से भागने लगती है। मुर्गा उनका पीछा करता है। कुछ दूर पर ही साधु वहाँ मिलते हैं। वो देखते हैं कि वो घमंडी मुर्गा दो औरतों के पीछे है, तो वो उसे रोक देते हैं। देखा पीलू चिड़िया, तुमने लालच में इस मुर्गे का खास ख्याल रखी और दूसरी मुर्गियों को कम समझती थी, इस भेदभाव के कारण ये मुर्गा घमंडी और बदमाश हो गया, सबको एक जैसा समझना चाहिए। जी साधु महात्मा, आप ठीक कह रहे हैं, मुझसे गलती हो गई। इस तरह से पीलू अपनी गलती मानती है और आगे से सभी मुर्गियों को एक जैसा दाना पानी देने लगती है। पीलू चिड़िया को बचपन से ही खाना बनाने का बहुत शौक था। उसके पिताजी लोहे के औजार बनाने का काम करते थे। उसकी माँ सुंदरी
उन औजारों को जंगल में बेच कर आती थी। पीलू चिड़िया उन दोनों की गोद ली हुई बेटी थी और वे लोग एक पेड़ की डाल में साथ साथ रहते थे। अरे पीलू, तूने सुबह से कुछ बनाई है कि नहीं? भूख से पेट जोर जोर से दुख रहा है। हाँ माँ, मैंने ये देखिए आज एक नई डिश बनाई है। अरे ये चावल में क्या डाल दी है तूने? ये बिरयानी है माँ, मैंने आज ही सीखी हूँ, एक बार टेस्ट करके तो देखिए। अरे पीलू बिटिया, तू खाने के अलावा कुछ और काम में भी ध्यान दिया कर, जब देखो कुछ न कुछ खाने का बनाती ही रहती है। एक दो साल बाद तेरी शादी भी तो करनी है, कुछ घर के काम भी तो सीख ले। ओहो, अरे तू तो शर्मा गई। अच्छा चल जा, बाहर जा और भट्टी गरम कर, लोहा पीटना है। पीलू बहुत गुणवान बच्ची है, हमें उस पर गर्व है। वो कुछ न कुछ नया पकवान हमेशा बनाने की कोशिश करती है, लेकिन हम लोग इतने रईस नहीं हैं। अगर रोज रोज इतनी महंगी खाने की चीजें बनेंगी तो पैसे कैसे बचेंगे? चिंता क्यों करते हो जी, बच्ची का भाग्य है, उसके भाग्य में जो होगा वो उसे भगवान जरूर देंगे। मेरे बस की बात होती तो उसे 10वीं कराकर घर में नहीं बैठाता और आगे पढ़ाता। वैसे हमारी पीलू जिस घर में भी जाएगी उस घर को बहुत खुश रखेगी, बस एक अच्छा सा लड़का मिल जाए उसके लिए। अरे हम गरीब लोग हैं, गरीब पेड़ में रहते हैं, गरीब घोंसले में रहते हैं, लड़का तो ऐसा ही देखना पड़ेगा ना। जब भी पीलू चिड़िया की माँ की तबीयत खराब हो जाती थी तो पीलू चिड़िया पेड़ की एक डंगाल पर औजारों को बेचने बैठ जाती थी। एक दिन उसे वहाँ भोलू मिला। भोलू उससे कहता है, अरे पीलू तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं ये अब मेरे पापा द्वारा बनाए गए औजार यहाँ पर बेच रही हूँ। ये औजार क्यों बेच रही हो? ये हमारा पेशा है भोलू, तुम तो पढ़ने में इतनी अच्छी थी, फिर ये काम क्यों कर रही हो? मेरे पिताजी ने मुझे 10वीं पढ़ा दिए, वही हमारे लिए बड़ी बात है। वैसे भी लड़कियों की उतनी पढ़ाई कहाँ होती है, यही तो हमारी समस्या है, लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाते नहीं है। खैर ये बताओ तुम रहती कहाँ हो? यही पास में ही हमारा घोंसला है। वैसे तुम्हें किस बात का शौक है? मुझे खाना बनाने का बहुत शौक है। अरे तो तुम आलू के पराठे, पिज्जा, बिरयानी, जो भी तुम्हें खाना बनाना आता है वो बना कर बेचो। ये औजार क्यों बना के बेच रही हो? औजार के काम से तुम ज्यादा कमाने लगोगी। पीलू चिड़िया ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है। कुछ दिन बाद जंगल में एक तूफान आता है। पीलू चिड़िया के पिताजी उस तूफान में फंस जाते हैं और उनकी जान बाल बाल बचती है, लेकिन इस तूफान की चपेट में आने के कारण उनका आधा शरीर काम करना बंद कर देता है। उनकी पत्नी सुंदरी सोचती है कि कैसे अब आगे घर चलेगा। सुंदरी कहती है, आप चिंता मत कीजिए जी, हम आपको अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे। अरे लेकिन पैसा कहाँ से आएगा, पीलू की शादी भी तो करनी है। पीलू इस बात को सुनकर बहुत दुखी हुई और वो अपने पिताजी के पास आकर बोली, पिताजी आप चिंता मत कीजिए, मैं हूँ ना, मैं और मेहनत करूँगी और मैं और माँ कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। पीलू की बात सुनकर उसके पिताजी कहते हैं, अरे बेटा तू इतनी छोटी है, तू क्या क्या करेगी? पीलू कहती है, पिताजी जब तक पिताजी आप ठीक नहीं हो जाते मैं घर के बाहर आलू के पराठे, पिज्जा बनाकर बेचा करूँगी। अरे पीलू ये काम करोगी तो लोग क्या कहेंगे? पीलू समझदारी से जवाब देती है, पिताजी जब मैं जंगल में औजार बेचती हूँ तब क्या कोई कुछ कहता है? हाँ में हाँ मिलाते हैं। अगले दिन पीलू भट्टी पर पिज्जा बनाती है और अपने माँ पिताजी को कहती है, माँ पिताजी ये पिज्जा एक बार खा के देखिए कैसा बना है। पीलू के माँ और पिताजी उस पिज्जा को खाते हैं, पीलू चिड़िया की तारीफ करते हैं, अरे वाह ये तो बहुत स्वादिष्ट लग रहा है, हमने तो ऐसा कभी कुछ नहीं खाया था, अब मैं यही काम करूंगी। पीलू की माँ कहती है, लेकिन ये सब तेरे दिमाग में आया कहाँ से? माँ मुझे ये सलाह भोलू ने दी। ये भोलू कौन है? माँ भोलू मेरे साथ स्कूल में पढ़ता था। इस तरह पीलू चिड़िया पिज्जा और आलू के पराठे बेचने लगी और जो भी पक्षी उसके यहाँ पिज्जा और आलू का पराठा खाता वो उसका फैन हो जाता। इस तरह से पीलू चिड़िया धीरे धीरे अपनी मेहनत से प्रसिद्ध होने लगी। दूर दूर से पक्षी पीलू चिड़िया के पास पिज्जा और पराठा खाने आने लगे और उसके पास काफी पैसा जमा हो गया। फिर एक दिन पीलू चिड़िया अपने पिताजी को लेकर बड़े डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर कहता है,
इनका इलाज तो हो जाएगा लेकिन बहुत खर्चा आएगा, महंगी दवाइयाँ लगेंगी। कोई बात नहीं डॉक्टर जी, जितना भी पैसा लगे आप मेरे पिताजी को ठीक कर दीजिए। वाह पीलू, तेरे खाने से तो हमारी किस्मत ही बदल गई। अब तू और अब बड़ी दुकान खोल। जैसे जैसे पीलू की आमदनी बढ़ने लगी, पीलू और उसके परिवार का रहन सहन भी बदल गया। पीलू अब एक नए घोंसले में रहती थी। एक दिन भोलू उससे मिलने आता है। भोलू को पीलू का परिवार पसंद करता है और इस तरह से पीलू और भोलू की शादी हो जाती है।